भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से जुड़े 5 जिला अध्यक्षों ने आज मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनियन छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर केंद्र सरकार से मिलकर किसानों के साथ धोखेबाजी की है। इन सभी ने अपने साथियों के साथ किसानों के दूसरे गुट में शामिल होने का भी ऐलान कर दिया है। पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से देश भर के लगभग 40 किसान संगठन किसान बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच आज मुरादाबाद के किसान यूनियन भानु गुट में विरोध के सुर उस समय सामने आ गए जब मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली और बिजनौर सहित 5 जिला अध्यक्षों ने अन्य पदाधिकारियों के साथ यूनियन का साथ छोड़ने का ऐलान मीडिया के सामने कर दिया। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रिजवान ने किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सरकार के सामने घुटने टेक दिए और किसानों के साथ दगाबाजी की है। इससे किसान बेहद आहत है। बॉर्डर पर किसान अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। भानु प्रताप सिंह ने सरकार के पक्ष में अपना बयान जारी कर दिया है। इसी तरह मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद ने भी अपनी टीम के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी जिला अध्यक्षों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्नदाता किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये आपसी गुटबाजी नहीं है, पूरे गुट जो होता है, मतलब जो दिल्ली में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल लिया है, किसान संगठन, किसान एकता, किसान एकता का मतलब है हमारे 40 संगठन हिंदुस्तान में, 40 के 40 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह एक मत होकर के बैठे हुए हैं धरने पे किसानों के साथ। ये एक संगठन बन जाता है। अब उसके बीच में एक संगठन उठ जाता है, अलग हो जाता है भानु गुट, और वो अपने खुद ही निर्णय लेने लगता है, अपने ज्ञापन देने लगता है, जबकि अब वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, वहाँ किसानों की मौतें हो रही हैं। ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। गुट मतलब जो गुट उन्होंने बनाया है, संघर्ष जो कर रहा, जो एकता है, किसान एकता, आज तो किसान एकता के साथ खड़ा रहना था, वहाँ चिल्लर वाडर में लगातार धरना देना था, उसको समेटना नहीं था, उसको ख़त्म नहीं करना था। ये जो दोबारा जा करके लगाया है, अब कितनी भी मेहनत कर लो वो बात नहीं आती है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ठाकुर भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने अपना मीडिया के थ्रू कुछ गलत बयान दिए हैं, दूसरा वो राजनाथ से मिलकर के अपना ज्ञापन दे करके आए हैं, ना कि पूरे संगठन का, तो संगठन ने भी उनका बहिष्कार कर दिया है। तो हम उस चीज़ से बहुत आहत हैं और दुखी हैं। यही वजह रही है हमें यूनियन छोड़ने की, इसमें गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तब होती कि तब इंतजार ना करके और सरकार के साथ चला जाए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो हमारी लाशों को लेकर के सरकार से लड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी लाशों से गुजर के वो पैसे कमा ले, अपना फ़ायदा कमा ले, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए 5 जिलों के, जिला रामपुर, जिला मुरादाबाद, जिला अमरोहा और जिला बिजनौर, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं और समस्त पदाधिकारी आज भारतीय किसान भानु संगठन से जो है इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण। किस तरह का उन्होंने बयान दिया है जिससे आपत्ति लगी? उन्होंने बयान ये दिया था कि क्योंकि 3 किसान बिल सेंट्रल सरकार ने पास किए हैं और वो बिल टोटल ही जो हैं किसानों के खिलाफ हैं, तो उन बिलों को उन्होंने सही साबित किया है कि ये बिल सरकार ने सही पास किए हैं। तो अब आप इस्तीफा देने के बाद किसान नया गठन करेंगे या कहीं किसी और में शामिल होंगे? ये फैसला हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब लेंगे, क्योंकि वो हमारी टीम के पिता महा हैं और हमारे बड़े हैं। जिधर को वो जाएंगे हम उधर जाएंगे, लेकिन ऐसे संगठनों का जो किसान विरोधी संगठन होंगे, हम उनके साथ कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम हमेशा उन संगठनों के साथ चलेंगे जो ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे और किसान और मजदूर के लिए काम करेंगे। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली। रीज़न ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान के साथ गद्दारी करने लगे। वो किसान अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद छोड़ के गद्दारी पे उतर गया। इसका रीज़न ये है कि हम गद्दार के साथ रहना नहीं चाहते। नहीं, पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर चुके हैं, अन्नदाता किसान यूनियन। उसका क्या एजेंडा रहेगा? इसका एजेंडा यही रहेगा, किसान के साथ खड़े रहेंगे। ये मरे हुए किसान की बॉडी छोड़ के राजनाथ सिंह के यहाँ जलेबी खाने नहीं जाएंगे, ये उस बॉडी पर रहेंगे। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खड़े होकर रो सकते हैं, शोक व्यक्त कर सकते हैं। जलेबी खाने नहीं जाएंगे, मतलब 2 गाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ किसी के बंगले में नहीं जाएंगे, ये वहीं पड़े रहेंगे जहाँ बाकी के सारे किसान पड़े हुए हैं। किसान के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है, अच्छी खेती बाड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसकी मुखालफत बीजेपी के विधायक भी कर रहे हैं, आप कहा है
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उपजाऊ जमीन अंतर्राष्ट्रीय दिए जाए? बीजेपी तो हर उस चीज़ की मुखालफत कर रही है जो किसान और मजदूर के हित में है, खाली इसी की थोड़ी मुखालफत कर रही है बीजेपी। किसान की और गरीब की हमदर्दी कर कहाँ रही है? एक जगह बता दो आप। बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का नाम बदल के जियोस्तान बनाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसानों की जमीन को भी शामिल किया जा रहा है उसमें, इसमें आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसमें किसानों की जमीन को शामिल किया जा रहा है। तो किसानों की जमीन को अगर शामिल किया जा रहा है तो उसको किसानों को उसका मुआवजा दें, क्या दिक्कत है? किसान को उसकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा दें, किसान देगा खुशी से अगर उसे मुआवजा मिलता है तो।